दोस्तों, टाइमिंग और स्पीड आर्म रेसलिंग के दो ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म हैं। अगर आप इनमें बेहतर नहीं हैं तो आपका हारना लगभग कंफर्म हो जाता है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अपोनेंट से ज़्यादा होते हुए भी। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे प्रोफेशनल और स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर भी कभी कभी मात खा जाते हैं जस्ट बिकॉज उनकी टाइमिंग और स्पीड इतनी बेहतर नहीं होती जितनी बेहतर उनके अपोनेंट की होती है। तो आज हम आपको आपकी टाइमिंग और स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स और कुछ एक्सरसाइज बताने वाले हैं जो आपकी टाइमिंग और स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आई नाम शुभी चैनल पर। मेरा नाम है संजू और ये मेरा भाई नवीन। आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर टाइमिंग एंड स्पीड। तो दोस्तों, शायद टाइमिंग और स्पीड आपको आपके आर्म रेसलिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना लग रहा हो, पर दोस्तों आप इनका इंपॉर्टेंस तब तक नहीं समझते जब तक आप किसी कॉम्पिटिशन में नहीं जाते और वहाँ बुरी तरह से हारकर नहीं आते। जैसा कि हमारे साथ हुआ दोस्तों कि हमारे रिसेंट कॉम्पिटिशन में हम अच्छी खासी स्ट्रेंथ होते हुए भी हम उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना बेहतर हम कर सकते थे अगर हमारी टाइमिंग और स्पीड अच्छी होती तो। क्योंकि दोस्तों, जब वहाँ रेफरीज मैच करवाते हैं और आप वहाँ पर हारते हैं आपकी टाइमिंग और स्पीड की वजह से, तो आप वहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाते या फिर मैच को फिर से स्टार्ट करने के लिए नहीं कह सकते। तो तब आपको फील होता है दोस्तों, अगर आपकी टाइमिंग और स्पीड अच्छी होती तो आप कितना बेहतर कर सकते थे उस कॉम्पिटिशन में। तो दोस्तों, आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए दोस्तों हम अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बुद्धिमान वही कहलाते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख ले ले। दैट्स व्हाई दोस्तों, हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम और गिल्ट फील ना करनी पड़े जो अक्सर लोग करते हैं। तो दोस्तों, आपकी टाइमिंग और स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ऑफिशियल स्टार्ट। दोस्तों, जैसे आप घर पर आर्म रेसलिंग मैच करते हैं जिसमें आप अपने तरीके से अपनी सेटिस्फाइंग ग्रिप लेते हैं, अपनी रिस्ट और नकल पर बिना ध्यान दिए हुए अपने मन चाहे टाइम पर मैच को स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों आपकी टाइमिंग और स्पीड का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम रह जाता है। और दोस्तों, ऑफिशियल मैच में जो ऑफिशियल स्टार्ट होता है, रेफरीज आपको रेफरी ग्रिप दिलवाते हैं जिसमें आपको अपनी सेटिस्फाइंग ग्रिप नहीं मिल पाती। उसके बाद आपकी नकल्स और रिस्ट को फेयर तरीके से चेक करने के बाद रेफरी अपने मनचाहे टाइम पर मैच को स्टार्ट करवाता है। और अगर दोस्तों आपको इन सब चीज़ों की आदत नहीं है तो आपको एक ऑफिशियल मैच में ये तक पता नहीं चलेगा कि रेफरी ने कब मैच को स्टार्ट करवाया और कब आपका अपोनेंट आपको पिन कर चुका है। तो दोस्तों, भले ही इन सब चीज़ों का ना पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ऑफिशियल मैच में, पर इन सब चीज़ों के साथ डील करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गाइडेंस और टेक्निक्स की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली एक रेफरी लेना है जो फेयर तरीके से आपको रेफरी ग्रिप दिलवाए, आपकी नकल्स आपकी रिस्ट चेक करने के बाद रेफरी रेडी गो करे अपने मन चाहे टाइम पर। तो इन्हीं सब चीज़ों के अंदर दोस्तों प्रैक्टिस करते करते आपको रेडी गो की आदत हो जाएगी और आपका रिएक्शन टाइम जो है वो रेडी गो के साथ इंप्रूव हो जाएगा, ये हमारी गारंटी। तो आपकी रिएक्शन टाइम के अलावा दोस्तों आपकी स्पीड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको मैच को जिताने में। अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको अपनी हाथों की मसल को अंडर टेंशन स्पीड पिन के लिए ट्रेन करना होगा, जो आप कुछ एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्पीड पिन की प्रैक्टिस करने के लिए वेट को यूज़ करना सोच रहे हैं, तो जब आप स्पीड पिन की कोशिश करते हैं तो इसमें जो वेट के साथ जो दिक्कत होती है दोस्तों वो ये होती है कि जो वेट जो है वो आपके हाथ पर सिर्फ स्टार्टिंग में प्रेशर डालता है, उसके बाद मोमेंटम की वजह से वेट अपने आप ऊपर जाता है और जब वो नीचे जाता है तो आपके हाथ पर जर्क मारता है जिससे आपके हाथ में इंजरी भी हो सकती है। तो स्पीड पिन प्रैक्टिस के लिए दोस्तों वेट ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो और इसके अलावा दोस्तों, जब आप अपने अपोनेंट को स्पीड पिन करने की कोशिश करते हैं तो जैसे जैसे आपका हाथ नीचे जाता है तो आपका अपोनेंट का जो हाथ है वो भी फोर्स लगाना चालू कर देता है, यानी आपका हाथ जितने नीचे जाता है आपके हाथ पर जो प्रेशर है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इसीलिए दोस्तों, रेजिस्टेंस बैंड जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है आपकी स्पीड पिन ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बैंड के साथ आप नीचे जाते हैं आपके हाथ पर उतना ही प्रेशर बढ़ता है और वो आपके हाथ पर जर्क भी नहीं मारता। तो स्पीड पिन के लिए दोस्तों आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस बैंड आप अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो आपके पास नहीं है, तो आपके लिए हमारे पास उससे भी एक बेटर और किफ़ायती ऑप्शन है जो है साइकिल ट्यूब। जी हाँ दोस्तों, साइकिल ट्यूब जो है दोस्तों वो आप आसानी से कहीं भी किसी भी साइकिल रिपेयरिंग शॉप पर या फिर वो आपके घर पर भी मिल सकती है, तो आप कहीं से भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं और वो लगभग रेजिस्टेंस बैंड की तरह ही आपके लिए यूज़फुल रहेगी। आप साइकिल ट्यूब को पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं या फिर उसमें से एक ऐसी स्ट्रैप बना सकते हैं जो सेम काम करती है आपके लिए। तो इसके लिए दोस्तों, आप अपने रेजिस्टेंस बैंड या फिर साइकिल ट्यूब को आप अपनी टेबल के किसी भी कोने पर बांध सकते हैं। आपका रेजिस्टेंस बैंड का जो एंगल है आपके हाथ के साथ उसी एंगल में रहे जिसमें आपके अपोनेंट का एंगल रहता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ आप अपनी स्पीड पिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अगर आप एक टॉप रोलर हैं, यानी आप आउटसाइड खेलते हैं, आपको रेजिस्टेंस बैंड की पोजीशन लेनी है, वो इस तरीके से लेनी है। पोजीशन में लेकर एक अपने दोस्त को या फिर किसी एक आदमी को रेडी गो कहने के लिए खड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक हुकर हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको रेजिस्टेंस बैंड की जो पोजीशन लेनी है वो इस तरीके से लेनी है। इस तरीके से आप रेफरी के रेडी गो कहने पर आप अपनी स्पीड पिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोस्तों हमने सिर्फ एक बैंड के साथ कर रहे हैं। आप इसे और ज़्यादा डिफिकल्ट और अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए आप एक बैंड जो है वो अपने टेबल के दूसरे कॉर्नर पर फिक्स कर सकते हैं जो आपके रिस्ट पर प्रेशर डालेगा, जिससे जो है दोस्तों आपकी बैक प्रेशर और हुक की पावर के साथ साथ आपका साइड प्रेशर भी ट्रेन होगा। जो जो चीज़ें हमने बताई हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ आपको प्रैक्टिस करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी टाइमिंग और स्पीड कितनी इंक्रीज हो चुकी है और आपको आपके पहले कॉम्पिटिशन में बेटर रिजल्ट दिखेगा, ये हमारा प्रॉमिस है।
तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।